हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है ये हम इस ट्यूटोरियल में डिटेल में देखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन इज व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर एग्जैक्टली क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, वर्किंग किस तरह से होता है और ये सारी चीजें अभी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले जो है हम देखेंगे हमारे कैपेसिटर की डेफिनेशन। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इट इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विद टू टर्मिनल्स। क्या बोला गया है कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विथ टू टर्मिनल्स। ठीक है, तो क्या है ये हमारा कैपेसिटर जो है, ये एक पैसिव कंपोनेंट है जो कि एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। एक ऐसा डिवाइस जो एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है और इसके जो है टू टर्मिनल्स होते हैं। सो कौन से टाइप का डिवाइस है? पैसिव टाइप का डिवाइस है। और इन्वेंट किसने किया है? इवाल्ड जॉर्ज ने। इवाल्ड जॉर्ज ने वॉन क्लेस्ट, पीटर वैन मशनबर्ग तो इन साइंटिस्ट ने जो है इसको इन्वेंट किया है। और इसका सिंबल किस तरीके से होता है? दो प्लेट्स होती हैं, ठीक है। ये हो गया फिक्स्ड कैपेसिटर। ये है डायग्राम फिक्स्ड कैपेसिटर की। देन ये है डायग्राम पोलराइज्ड कैपेसिटर की। उसके बाद ये है डायग्राम वेरिएबल कैपेसिटर की। तो जनरली अगर कैपेसिटर को ड्रॉ करना है तो इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, सिंपली इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। लेकिन अगर उसके काम के हिसाब से या फिर उसके फंक्शनिंग के हिसाब से अगर देखें तो फिक्स कैपेसिटर की डायग्राम सिंपल ये है और पोलराइज कैपेसिटर का ये सिंबल है और वेरिएबल यानी कि ये जो एरो दिख रहा है जो कि शो कर रहा है कि ये कैपेसिटर वेरिएबल है। तो इस तरीके से इसके जो है सिंबल यहाँ पे दिए गए हैं। सो द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटर को इफेक्ट को क्या बोला जाता है? कैपेसिटेंस बोला जाता है। कैपेसिटर के इफेक्ट्स को इफेक्ट को कैपेसिटेंस बोला जाता है। जबकि कुछ कैपेसिटेंस एग्जिस्ट होते हैं दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के बीच में इन अ प्रॉक्सिमिटी सर्किट, प्रॉक्सिमिटी इन अ सर्किट। और हमें पता है कि ये दो प्लेट्स है यानी कि कैपेसिटर है और इसकी जो इसका जो इफेक्ट है कैपेसिटर का, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। लेकिन कुछ कैपेसिटर कहीं जगह पे कैपेसिटर जो होता है दो कंडक्टर के बीच में भी फॉर्म होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस फॉर्म्स बिटवीन टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर के बीच में भी जो है फॉर्म होता है। और ये कैपेसिटर जो है कंपोनेंट ये ऐड किया जाता है टू दी सर्किट। ओके, कैपेसिटर एक कंपोनेंट है जो कैपेसिटेंस को ऐड करने का काम करता है। ओके, कैपेसिटेंस को ऐड करने का काम करता है। कैपेसिटर एड कैपेसिटेंस टू सर्किट।
और द कैपेसिटर वॉज ओरिजिनली नोन एज कंडेंसर और कंडेंसेटर, और इसको ओरिजिनली क्या बोला जाता था, कंडेंसर या फिर कंडेंसेटर बोला जाता था. ठीक है, कैपेसिटर को कंडेंसर या फिर कंडेंसेटर बोला जाता था. सो दिस नेम एंड इट्स कॉग्नेंस आर स्टिल वाइडली यूज्ड इन मेनी लैंग्वेज. हमें पता है कि बहुत सारी जगह पे कंडेंसर का अगर बोला जाता है मतलब उसका मतलब क्या है कि उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है. तो ये जनरल तौर पे जो है लोग समझ जाते हैं कि कंडेंसर मतलब कैपेसिटर. तो कंडेंसर को पहले क्या बोला जाता था, कैपेसिटर्स को पहले क्या बोला जाता था, कंडेंसर या फिर कंडेंसेटर. और इसके बाद अगर हम मटेरियल की बात करें जो कि कैपेसिटर में यूज होता है, ठीक है, मटेरियल जो कैपेसिटर में यूज होता है वो होते हैं ग्लास, सिरेमिक, प्लास्टिक फिल्म, पेपर, माइका, एयर एंड ऑक्साइड लेयर्स. इस टाइप के जो मटेरियल है हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ऐड करते हैं. और इस मटेरियल का जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन दी कैपेसिटर. कैपेसिटर की ये जो दो प्लेट्स है इनके बीच में ये जो एरिया है इसमें जो है ये मटेरियल फिल किया जाता है. तो कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं, ग्लास, सिरेमिक, प्लास्टिक फिल्म, पेपर, माइका, एयर एंड सम ऑक्साइड लेयर्स. तो इस तरीके का मटेरियल इसमें यूज करते हैं. इसके बाद अगर हम कैपेसिटर की टाइप्स की बात करें तो टाइप्स इसके हैं वोल्टेज डिपेंडेंट कैपेसिटर, वोल्टेज डिपेंडेंट कैपेसिटर होते हैं. देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कैपेसिटर भी होते हैं. देन उसके बाद होते हैं पॉलीमर कैपेसिटर्स. तो इस तरीके के वेरियस टाइप्स कैपेसिटर के देखने को मिलते हैं. तो अब हम देखेंगे कैपेसिटर की एप्लीकेशंस, किस तरीके से कैपेसिटर को यूज किया जाता है ये अब देखेंगे. हम कैपेसिटर को जो है मेनली यूज करते हैं एज अ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस. किस तरीके से यूज करते हैं, एज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस. एनर्जी को जब भी हमें स्टोर करने की जरूरत पड़ती है हम कैपेसिटर का यूज करते हैं. देन एज अ डिजिटल मेमोरी, डिजिटल मेमोरी में भी इसका यूज किया जाता है. उसके बाद पल्स्ड पावर एंड वेपन्स में कैपेसिटर का यूज किया जाता है. देन फॉर पावर की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उसको कंडीशन करने के लिए, उसमें से इंप्यूरिटीज हटाने के लिए हम पावर कंडीशनिंग में यूज करते हैं. देन उसके बाद सप्रेशन एंड कपलिंग, सप्रेशन एंड कपलिंग के लिए भी हम यूज करते हैं. देन डीकपलिंग के लिए भी कैपेसिटर को यूज किया जाता है. देन उसके बाद हाई पास एंड लो पास फिल्टर्स में फॉर द फिल्ट्रेशन पर्पस कैपेसिटर को यूज किया जाता है. ओके, जब हमारा सिस्टम एसी सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास अगर एसी क्वांटिटी है तो एसी क्वांटिटी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है, हम क्या यूज करते हैं, रेक्टिफायर यूज करते हैं. बट स्टिल रेक्टिफायर को यूज करने के बाद भी उसमें कुछ पल्सेस रह जाते हैं, वो प्योरली डीसी हमें नहीं मिलता, तो इसके लिए हमें फिल्टर की जरूरत पड़ती है. और इस फिल्टर में हम खास करके क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर को यूज करते हैं. देन उसके बाद मोटर स्टार्टर्स में भी कैपेसिटर का यूज किया जाता है. मोटर के स्टार्टर्स में भी कैपेसिटर हम यूज करते हैं. देन फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग,
सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए भी कैपेसिटर को यूज किया जाता है। देन अगेन ट्यून्ड सर्किट्स में कैपेसिटर खास करके यूज किए जाते हैं। देन फॉर सेंसिंग पर्पज, कैपेसिटिंग सेंसिंग, कैपेसिटिव सेंसिंग का यूज करके सेंसिंग पर्पजेस के लिए इनको एज अ सेंसिंग डिवाइस यूज किया जाता है। देन उसके बाद ऑसिलेटर में कैपेसिटर का यूज होता है। देन लाइट प्रोड्यूसिंग के लिए, लाइट प्रोडक्शन के लिए जो है इसका यूज किया जाता है कैपेसिटर का। तो इस तरीके से वेरियस एप्लीकेशंस जो है पजेस करता है हमारा कैपेसिटर। तो ये है कैपेसिटर। कैपेसिटर की डेफिनेशन हमने देखी, देन उसका सिंबल। अब देखते हैं कैपेसिटर की एक्चुअल इमेज कैसी दिखती है। तो ये जो आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिख रही है, ये डायग्राम है कैपेसिटर की। माफ कीजिएगा, मैं आपको शुरुआत में दिखाना भूल गई थी। तो आप अभी देख लीजिए ये जो डायग्राम है स्क्रीन पे, ये कैपेसिटर की है। कैपेसिटर ओरिजिनली जो है इस तरीके के दिखते हैं। वेरियस टाइप के इसके शेप्स होते हैं और उसके एप्लीकेशंस के हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है। पर ये जो है थियोरेटिकल सिंबल है हमारे कैपेसिटर का, पर प्रैक्टिकली हमारे कैपेसिटर इस तरीके से होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में खास करके यूज किए जाते हैं। तो अभी हमने इस ट्यूटोरियल में क्या दिखा, कैपेसिटर की डेफिनेशन, देन उसका सिंबल एंड देन उसके टाइप्स के साथ साथ उसमें यूज किया जाने वाला मटेरियल एंड उसके वेरियस एप्लीकेशन। ओके, तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल जो है पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।